मैंने सोचा कि कुछ स्लो मोशन में शूट करेंगे, लेकिन स्लो मोशन में शूट करने के बाद फिर देखा कि कुछ वीडियो इस तरीके से आ रही थी। खैर कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी आगे और कभी पीछे, इसी तरीके से कुछ चलता रहता है। तो रात में मैंने क्या किया कि रात में मैंने अपना निकाला ट्राईपॉड, सदियों से रखा हुआ मेरा ट्राईपॉड मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसको उठाया, सोचा इसको लगा के देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे को शूट करने को मिल जाए। लेकिन जब इसको खोला तो देखा तो इसकी डंडी ही टूटी हुई थी। खैर ये भी एक लाइफ का पार्ट है। देखो भाई, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जब आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रख दिया है तो आपने वक्त के ऊपर अपना काम डिलीवर करना है। अब जैसे कि रात के 3:07 है, मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अब मैं पानी पीने के लिए गया हूँ, मैंने एक घुट पानी पिया है, और पानी पीने के बाद उसके बाद फिर वेट करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा एक एनिमेशन चल रहा था। अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ ही गए हो तो आपने टाइम की कोई लिमिट नहीं रखनी। आप दिन के किसी भी पहर, रात के किसी भी पहर आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता आपके क्लाइंट ने जो आपको डेडलाइन दी है उसी टाइम पर आपने अपना पूरा काम देना होगा। इसके अंदर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपका अपना काम होता है। तो स्किल्स सीखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्किल्स आपको आगे ले जाएगा।